उज्जैन के इंगोरिया में एक युवक डीजे पर डांस करते करते अचानक बेहोश हो गया और फिर उसे होश नहीं आया। दोस्त उसे जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। युवक अपने दोस्त की बारात में आया था। मामले में पमासा पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पमासा थाना प्रभारी गजेंद्र पचौरिया ने बताया कि उज्जैन के पास अंबोदिया डेम निवासी 18 साल के लाल सिंह पिता विक्रम सिंह अपने दोस्त विजय की शादी में मक्सी रोड स्थित ताजपुर गया था। गुरुवार को दिन में विजय की बारात गांव में निकल रही थी। रात करीब 12:30 बजे लाल सिंह दोस्तों के साथ डीजे के पीछे डांस करने लगा। उसके दोस्तों ने बताया कि रास्ते में लाल सिंह ने एक जगह पानी पिया, फिर डांस शुरू कर दिया। वहीं डीजे की आवाज तेज थी और सभी दोस्त डीजे में लगे स्पीकर के ठीक पीछे ही नाच रहे थे। इस बीच लाल सिंह अचानक बेहोश होकर गिर गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद लाल सिंह को मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी गजेंद्र पचौरिया ने बताया कि युवक की बारात में नाचते समय मौत हो गई। युवक ITI कर रहा था। लाल सिंह बारात में डांस करते करते खुद अपना वीडियो भी बना रहा था। उसके मोबाइल से मिले वीडियो में दिख रहा है कि वो दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा है। 14 से 15 सेकंड के वीडियो में उसके चेहरे पर कोई थकान नहीं दिख रही थी। वहीं वीडियो बनाने के तुरंत बाद ही वो सड़क पर गिर जाता है। साथ में डांस कर रहे उसके दोस्त उसे उठाने की कोशिश करते हैं। पानी पिलाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन वो होश में नहीं आया। डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि डीजे और अन्य बड़े साउंड से एबनॉर्मल मोमेंट आता है, जिसकी वजह से तय मात्रा से ज्यादा डेसीबल वाला साउंड मानव शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसका असर हार्ट और ब्रेन दोनों पर हो सकता है। जिस लड़के की नाचते हुए मौत हुई है, उसका विसारा जब्त कर लिया गया है। उसके हार्ट में क्लॉट मिला है। अभी गर्मी का सीजन है, इसलिए तरल पदार्थ को खुद से दिन भर ताजा रखना चाहिए। इससे शरीर में एनर्जी बनी रहती है। जो भी शादी ब्याह में या किसी भी प्रोग्राम्स में अगर डीजे वगैरह के साउंड बजते हैं, तो अगर एक लिमिट के बाद अगर उसका साउंड ज़्यादा आता है, तो वो डायरेक्टली हार्ट के ऊपर और ब्रेन के ऊपर इफेक्ट डालता है। संभवतः कल वाले केस में जिसका पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें भी यही संभावना हो सकती है। हालांकि पोस्टमार्टम का था, डॉक्टर ने जो रिपोर्ट प्रदर्शित की है उनके हिसाब से उन्होंने विसरा भी जब्त किया है और हार्ट में थोड़ा सा क्लॉट भी मिला था। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।